हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें पुरानी स्कर्ट का सफ़र बैग बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इसमें से ये बेल्ट निकाल दिया है और इसको हम छः पार्ट में कटिंग करेंगे। दो पॉकेट हमारे जेब वाले होंगे और दो आमने सामने के और दो ऊपर नीचे के। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब जो हमारा घेर बचा है उसमें से हमें सफ़र बैग को कट करना है। ये अम्ब्रेला है, देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है। अब पहले हमें आमने सामने के जो भाग होते हैं वो कट कर लेने हैं। तो पहले जो टेढ़ इसमें है कपड़े में, वो मैं निकाल लूँगी। तो देखिए, मैंने निकाल लिए। ये डबल फोल्ड है कपड़ा, इसको एक जैसा करते हुए कटिंग कर लेनी है हमें। नीचे से भी मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि दो हमारे जो पार्ट है वो पूरे ओपन चाहिए हमें। तो ये आमने सामने के भाग है, ये देखिए कट हो गया मेरा एक जैसा। दोनों तरफ से मैंने कट कर लिया। अब हम मेज़रमेंट कर लेंगे। तो इसकी जो ऊंचाई है वो मैंने 13 इंच की ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 19 इंच की ली है। सॉरी, लंबाई इसकी मैंने 21 इंच की ली है और इसकी ऊंचाई मैंने ली है 13 इंच की। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है और ये देखिए, ऊंचाई मैंने इस पर 13 इंच की निशान लगा दिया। यहाँ से हमें कट कर लेना है इसको। दो पार्ट हमारे निकल जाएंगे इसमें से। देखिए, दो पार्ट मैंने निकाल लिए हैं। ये आमने सामने वाले भाग है हमारे। 6 पार्ट में हम सफ़र बैग बना रहे हैं। ये देखिए, अब दो पार्ट हमें फिर से इसमें निकालने हैं। तो यहां से मैं कट कर दूंगी एक जैसा, पहले कपड़ा हम कर लेंगे और अब इसको इस तरह से रखते हुए यहां से भी मैं कट कर दूंगी ताकि दोनों तरफ से एक जैसा हो जाए, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्कर्ट था। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो सेम लेनी है, उसके बराबर ही हमें लेना है। और इसकी जो ऊंचाई है वो उस पार्ट से हमें थोड़ी कम लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 11 इंच पे ले रही हूँ, 11 या 11.5 आप ले सकते हैं। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। लंबाई इसकी उसके बराबर ही है और ऊंचाई जो है वो हमने 1 या 2 इंच हमें कम कर देनी है। और ये ऊपर नीचे के पार्ट है हमारे, जो एक चेन वाला होगा और एक तले में नीचे लगेगा सफ़र बैग में। ये देखिए, दो पार्ट मेरे कट गए हैं। अब हमें पॉकेट काटना है जो साइड के हैं। तो पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई हम इसमें देख लेंगे। तो देखिए, लंबाई मैंने 11 इंच पे ही ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 11 इंच पे ली है। ऊंचाई मैंने 13 इंच पे ली है, सॉरी, और जो लंबाई है इसकी वो मैंने 11 इंच की ली है। ये दो पॉकेट मेरे बन गए हैं, कट के तैयार हो गए हैं। इसलिए हमने 6 पार्ट तैयार कर लिए हैं। देखिए, ये आमने सामने का पार्ट है और ये पॉकेट है, ऊपर नीचे के दो पार्ट हैं और ये दो पॉकेट हमने काट लिए हैं, इसलिए ये 6 पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन्हीं की साइज़ का हमें अस्तर कट कर लेना है। इसका मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा मेज़रमेंट डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसको कैसे हमें बनाना है। इसी के साइज़ का मैंने अस्तर काट लिया है।
और इस पे ये सामने का हमने पॉकेट काटा है, तो इसकी लंबाई मैंने 8 इंच की ली है और चौड़ाई 9 इंच की ली है। देखिए हमें इस पे एक एक पार्ट पे चेक्स लगाने हैं। चेक्स लगा के हमें 6 पार्ट हमें तैयार कर लेने हैं। ये देखिए पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं 6, और अब इसमें हमें फिनिशिंग कर देनी है। तो ये देखिए फिनिशिंग हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए फिनिशिंग कर देनी है। ये देखिए फिनिशिंग मेरी हो गई है। जो हमारे जो पार्ट हैं अभी हम वो रेडी करने हैं। देखिए पहले ऊपर नीचे वाले जो पार्ट है दोनों, उसमें से एक पार्ट हमें साइड रख देना है और एक पार्ट में हमें चेन अटैच करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल बीच सेंटर से हमें पूरा कट कर देना है। ये देखिए मैंने कट कर दिया है पूरा इसको, और यहाँ पे हमें चेन अटैच करनी है। तो ये हमारा ऊपर का भाग आ जाएगा जिसमें हम चेन खोल के कपड़े डालते हैं बैग के अंदर। तो देखिए चेन मेरी लग गई है और मैंने रनर डाल दिया है दोनों तरफ से। तो ये दोनों पार्ट हमारे अब हम साइड रख देंगे, एक नीचे तले का है और एक ऊपर चेन वाला भाग है। अब हमें दोनों जो आमने सामने के भाग है उनको तैयार करना है। तो एक अंदर पॉकेट लगेगी, एक बाहर पॉकेट लगेगी। तो बाहर का जो पॉकेट है हमारा उसको हमें तैयार कर लेना है। इसका मेज़रमेंट हमने किया था 10 इंच की लंबाई और 9 इंच की चौड़ाई हमने ली है। आप अपने अनुसार पॉकेट रख सकते हैं जितना बड़ा रखना चाहें। ऊपर से मैंने लगभग 1.5-2 इंच का इसमें कट लगाया है और यहाँ पे हमें चेन अटैच कर देनी है। और ये बिल्कुल इजी तरीका है सफ़र बैग बनाने का। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से 6 पार्ट में कट करके इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए चेन को मैंने कट कर दिया है और ऊपर से हमें दबाव की सिलाई चला लेनी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर चेन को उल्टा रखते हुए यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा देनी है और ऊपर से दबाव की सिलाई। देखिए मेरा पॉकेट जो है तैयार हो गया है। इसमें हमें रनर डाल देना है, आगे की साइड हमें लगाना है इसको। तो ये मेरा रनर डल गया है इसमें। अब जो हमारे आमने सामने के जो पार्ट है, एक पार्ट मैंने इसमें ले लिया है और बिल्कुल बीच सेंटर में इस पॉकेट को हमें रखना है, देखिए इस तरह से। और इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए कपड़े को। तो ये देखिए पॉकेट मेरा इसमें अटैच हो गया है। और अब इसके बाद जो सामने वाला पार्ट है उसको भी हमें तैयार कर लेना है। तो इसमें हमें अंदर की साइड पॉकेट लगाना, तो सेम उसी तरह से पूरा हमें बनाना है। इसमें से पॉकेट लेके हमें कट कर देना है, जितना भी बड़ा आप अंदर लगाना चाहें उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंच की लंबाई ली है और 9 इंच की चौड़ाई ली है पॉकेट की। यहाँ पे हमें चेन अटैच करनी है इसमें ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह से चेन को उल्टा रखते हुए इसमें स्टिच कर लेना है और ऊपर से दबाव की सिलाई चला लेनी है। तो ये हमारा पॉकेट बन गया है और इसमें रनर डाल देना है। अभी देखिए अंदर की तरफ बिल्कुल बीच सेंटर में इसको रखते हुए हमें पॉकेट को अटैच करना है, थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है अंदर की तरफ थोड़ा कपड़ा मोड़ते हुए। चेन की जगह पे हमें 1-2 सिलाई चला लेनी है ताकि चेन हमें खुले नहीं। ये देखिए दोनों पार्ट आमने सामने के भी हमारे तैयार हो गए हैं। अभी बेल्ट हमें इसमें लगाना है। तो ये देखिए मैंने तैयार बेल्ट लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 45 इंच की ली है। 45 इंच के दो बेल्ट लिए हैं, 45-45 इंच के। और इस तरह से पॉकेट हमारा जो है उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पॉकेट के ऊपर से ही मैंने लिया है इसको
और यहाँ तक पॉकेट के थोड़ा सा ऊपर तक आते हुए हमें 3-4 बार सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। और फिर इस तरह से नीचे उतार लेना है सिलाई को। तो एक तरफ से हमारा अटैच हो गया है बेल्ट, अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से बेल्ट को लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी तरफ भी मैंने 1-2 सिलाई चलाते हुए इसको नीचे उतार लिया है, और सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी करना है। तो देखिए एक तरफ मेरा बेल्ट लग गया है, अब दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से लगाना है। तो ये देखिए आमने सामने इस तरह से हम रखेंगे दोनों पार्ट को, और जहाँ पे हमारा बेल्ट लगा है उसी के मेज़रमेंट के अनुसार हमें निशान लगा देना है ताकि टेढ़ा मेढ़ा बेल्ट हमारा नहीं लगे, और इस तरह से स्टिच कर देना है। तो देखिए इस पे भी मेरा बेल्ट लग गया है और इस पे भी मेरा बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है, दोनों पार्ट पे लग गया है। अब हमें बैग को तैयार करना है। तो देखिए जो सबसे नीचे वाला पार्ट था हमारा तले वाला, उसको इस तरह से रखना है दोनों पार्ट को, और यहाँ से हमें जॉइंट करना है। इस तरह से 4 पार्ट हमें जॉइंट करने हैं और फिर हमारे पॉकेट जो है वो लगेंगे। देखिए ये मेरा लग गया है, डबल सिलाई इसमें आप कर सकते हैं। अंदर की तरफ थोड़ी फिनिशिंग कर दें और फिर उसके बाद इसको इस तरह से उलटते हुए यहाँ पे हमें दबाव की सिलाई लगा देनी है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखती है बैग के अंदर। तो ये देखिए दबाव की सिलाई मैंने लगा दी है। अब 2 पार्ट हमारे जॉइंट हो गए हैं, अब तीसरा पार्ट हमें जो बेल्ट वाला है उसको जॉइंट करना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, और ये बिल्कुल इजी तरीका है सफ़र बैग बनाने का। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से 6 पार्ट कट करके बना सकते हैं, और इस तरह से ऊपर से दबाव की सिलाई चलाते हुए अब ये जो हमारा चेन वाला पार्ट है इसको हमें अटैच करना है। तो देखिए जिधर हमारा पॉकेट लगा है आमने सामने वाले भाग वाले पार्ट में, तो उधर से भी हमें इसको स्टिच करना है। ये 3 पार्ट 4 पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं, अब जो लास्ट है इन दोनों को हमें अटैच कर देना है। और अंदर की तरफ से हमें अब ये सिलाई चला लेनी है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से खोका मेरा पूरा बन गया है बैग का। अब हमें पॉकेट लगाने हैं। तो जो पॉकेट हमारे हैं वो अब हम तैयार करेंगे। 13 इंच की मैंने इसमें लंबाई ली थी और 11 इंच की चौड़ाई ली थी। अब ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान लगा, 2 या 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, और दोनों पार्ट को एक साथ कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पे हमारी जिप लगेगी। देखिए दोनों में मैंने चेन लगा के अटैच कर लिया, रनर भी डाल दिया है। अब पीछे हमें सपोर्ट के लिए अस्तर लगाना है ताकि पॉकेट हमारे अच्छे से बन जाए। ये देखिए इस साइज़ का मैंने कपड़ा लिया है और 2 पार्ट मैंने कपड़े के कट कर लिए हैं, और एक एक करके दोनों में हम कपड़ा अटैच कर देंगे तो ये पॉकेट हमारे बन जाएंगे। देखिए स्टिच हो गया है, अब हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर देना है। देखिए ये मेरा पॉकेट बन गया है, इसी तरह से दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब देखिए ये पार्ट हमें लेना है जो बैग का हमने तैयार किया है, और जो चेन वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ है चेन वाला पार्ट, उसमें हमें इस पॉकेट को इस तरह से अटैच करते हुए चारों तरफ से स्टिच कर लेना है, और कोने 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 से कोना मिलाते हुए हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कोना मेरा आ गया है, और यहाँ से मैं इसको पलटा लूँगी, और फिर जहाँ पे कोना हमारा आ रहा है वहीं पे हमें मशीन की जो सुई है वहीं इसको रोक के घुमा लेना है कपड़े को, तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो इस तरह से पॉकेट हमें अटैच कर देने हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए इसको मैंने अटैच कर लिया है एक पॉकेट को, डबल सिलाई हमें लगा देनी है और फिनिशिंग कर देना है, और इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें लगा देना है। देखिए लग गया है मेरा इसमें दोनों पार्ट, और अब इसको हम खोल के देख लेंगे, सीधा कर लेंगे इसको। ये देखिए सीधा हो गया है बैग मेरा, और अब जो हमारे पॉकेट है उसको इस तरह से मोड़ते हुए हमें दबाव की सिलाई चला लेनी है पूरे पे,
इससे क्या होगा कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी बैग में। देखिए बैग मेरा बनकर रेडी हो गया है। आगे एक तरफ पॉकेट डाला है, एक साइड में मैंने पॉकेट डाला है बोतल वगैरह कुछ भी रखने के लिए, एक साइड में इधर भी डाला है, कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हैं सामान वगैरह। और इसमें बैग में काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत सारे कपड़े आप इसके अंदर रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।